हेलो गाइस, आज इस लड़की का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हम इसे अभी बड़े फोन मारेंगे। हम बर्थडे साल के तुम 1 2 3 4 5 6 अरे मारो इसको, आज इसका बर्थडे प्लीज। अरे बर्थडे के दिन मार 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 तो उसको दी मार साल की दो 8 साल की तो 10 मार दी। हां तेज तो 1 साल में मार। चलो एक माइनस कर। चलो 2 साल की। चलो अब आते हैं कौन सा 19 है ना। हाँ। चलो 19 नंबर चैप्टर पढ़ते हैं आज। उसका नाम है रिमेडियल क्लासेस। इस चैप्टर का नाम है रिमेडियल। अब पढ़ते हैं, आराम से सुनो और चुपचाप देखो। देखो रूहान इज, एक मिनट प्लीज, नहीं तो आऊंगी ना। सुनो, रूहान इज एन इंटेलिजेंट बॉय। कोई बच्चा था रूहान, वो कैसा था? इंटेलिजेंट बॉय। इनकी तरह ही इज गुड एट ऑल द सब्जेक्ट। वो सारे सब्जेक्ट में अच्छा था एक्सेप्ट, यानी कि किसके सिवाय? मैथमेटिक्स के सिवाय। यानी कि उसको सारे सब्जेक्ट आते थे लेकिन मैथमेटिक्स में डब्बा गुल था। क्यों? क्योंकि उसने ढंग से या तो पढ़ाई नहीं की होगी या फिर उसको ढंग से पढ़ाने वाला कोई होगा मिला नहीं होगा। प्लीज आप लोग, तो हम उस समय आप जाके पढ़ा देते उसको। मैं जाके पढ़ा देती। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, पढ़ा दूंगी। इट वॉज हिज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ये उसका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन था। ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर एग्जाम। उसने एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया तैयारी किया था। लेकिन ही स्टिल हैड फियर अबाउट मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स वाले तैयारी तो बढ़िया से किया था लेकिन अभी भी उसे मैथमेटिक्स से क्या और था, डर लग रहा था। हिज फादर आस्क्ड हिम नॉट टू वरी। उसके पापा ने कहा कि चिंता नहीं करने का। एंड स्टडी विद कॉन्फिडेंस। डरने का नहीं कहा है। एंड स्टडी विद कंसंट्रेशन। और कहा कि अपना एकाग्रता ध्यान लगा के अब पढ़ाई। हिज एग्जामिनेशन स्टार्टेड। इसके एग्जाम शुरू हो गए। ही गेव ऑल हिज एग्जाम्स प्रॉपर्ली। उसने अपने सारे एग्जाम प्रॉपर्ली यानी बढ़िया से दिए। इंक्लूड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को भी उसने बढ़िया से दे दिया। ही वाज रिलैक्स्ड एज ही थॉट टुगेदर दैट। एक मिनट, शब्दों को तोड़ तोड़ के, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखो। ही वाज रिलैक्स्ड। वो रिलैक्स था एज ही थॉट, जैसा उसने सोचा दैट कि दिस टाइम ही माइट गेट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ये सोच के उसको रिलैक्स था, बढ़िया था, टेंशन नहीं था उसको कि इस बार वो मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स गेन करेगा। आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद, इट वॉज टाइम फॉर रिजल्ट। 15 दिन बाद क्या हुआ, उसके रिजल्ट का टाइम आया। हाँ एंड मैम टाइम ऑफ रिजल्ट उनका निकल गया। It was time of result. Right. Rohan, while going to school to get result, school जाते समय मतलब जा रहा था किस लिए, get result यानी कि result को देने। His father requested his father not to scold him if he guessed bad mark. कह रहा है जब वो result जाने गया तो रोहन ने अपने father से request किया कि father आप मुझे स्कॉल्ड यानी डांटिएगा मत यदि मुझे बैड मार्क्स मिलते हैं। His father said, उसके पापा ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, यू विल गेट गुड मार्क्स। की चिंता मत करो, आपको पक्का अच्छे नंबर मिलेंगे। रोहन एंड हिज फादर एंटर्ड द क्लासरूम। रोहन और उसके पापा क्लासरूम में गए। जाते हो ना जब रिजल्ट लेने और लेना होता है तो आप जाते हो ना कि, तो रोहन और उसके पापा क्या किए, क्लासरूम में एंटर किए। रोहन वाज वेरी स्केयर्ड यानी कि वो बहुत डरा हुआ था। थिंकिंग अबाउट हिज मार्क्स। वो अपने मार्क्स के बारे में सोच के बहुत डरा हुआ था। रोहन फादर एंड हिज क्लास टीचर स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। रोहन और उसके जो क्लास टीचर थे वो एक दूसरे से बात करना शुरू किए। आफ्टर डिस्कशन हिज क्लास टीचर गिव रोहन रिपोर्ट कार्ड इनटू हिज फादर हैंड। कह रहे हैं कि आफ्टर डिस्कशन होता है ना, पेरेंट्स जाते हैं तो टीचर बोलते हैं ना कि अरे तुम मैथ में ठीक है, इंग्लिश में वीक है, संस्कृत में ठीक है, फिर पता नहीं कहाँ वीक है, डिसिप्लिन में ठीक है लेकिन लड़ाई करता है, पता नहीं क्या क्या टीचर करते हैं ना। तो टीचर ने ये सब डिस्कशन किया जो भी उनको करना था। उसके बाद क्लास टीचर ने रूहान के रिपोर्ट कार्ड उसके पापा के हाथों में दे दिया। हिज फादर
His father saw the report card. उसके पापा ने रूहान के रिपोर्ट कार्ड को देखा. रोहन्स मार्क्स वेरी रूहान मार्क्स ऑल द सब्जेक्ट. रोहन के जो मार्क्स थे वो सारे सब्जेक्ट में क्या थे? गुड थे. हाँ. और मैंने लिखा है गुड इन ऑल सब्जेक्ट बट इन मैथमेटिक्स. लेकिन मैथमेटिक्स में ही गॉट जस्ट पासिंग मार्क्स. लेकिन मैथमेटिक्स में क्या था कि उसको बस पासिंग मार्क्स मिले थे. यानी होता है ना 30% 33% वही मिले था. रोहन बेटा जी रोहन क्लास टीचर आस्क्ड हिम फादर टू पे मोर Attention on him in mathematics. Okay. रूहान के क्लास टीचर ने उसके पापा से कहा कि देखिए आप इसके मैथमेटिक्स पे कुछ ज्यादा ध्यान दीजिए. जैसे कि हमारे नंबर कम होते हैं तो बोलते हैं ना हमारे टीचर कि सब तो ठीक है लेकिन बेटा थोड़ा संस्कृत पढ़ लो, बेटा थोड़ा हिंदी की प्रैक्टिस कर लो. तो उसी तरीके से रूहान के क्लास टीचर ने सब तो ठीक था लेकिन जब पासिंग मार्क्स देखा तो उनके पापा से कहा कि सुनिए थोड़ा इनको ना मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिए. रोहन्स क्लास टीचर एडवाइज्ड हिम टू अटेंड द रिमेडियल क्लासेस. रूहान के टीचर ने कहा कि देखो भाई अब आपको देखो होता है ना आप लोग एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगते हैं ना. तो उन्होंने कहा कि आप रिमेडियल क्लासेस क्या है ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी मैथमेटिक्स ठीक हो सके. His class teacher said, उनके क्लास टीचर ने कहा ऑल थ्रू रिमेडियल क्लासेस आर फॉर स्टूडेंट्स got failed but it well be. रुको सेंटेंस को तोड़ो. कंजक्शन से पहले रुक जाओ. ऑल्दो रिमेडियल क्लासेस किसके लिए होते हैं? उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं हु गॉट फेल्ड, जो फेल हो जाते हैं. लेकिन इट विल बी गुड फॉर यू टू अटेंड द रिमेडियल क्लासेस आफ्टर स्कूल. लेकिन ये आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप रिमेडियल क्लासेस को ज्वाइन करें. रोहन आस्क्ड हिज फादर whether he should attend the remedial classes. रिमेडियल क्लासेस और नॉट. रूहान के पापा ने रूहान ने अपने पापा से पूछा कि वेदर ही शुड अटेंड द रिमेडियल क्लास और नॉट. कि पापा अब आप बताओ, टीचर ने तो मुझे एडवाइज कर दिया, अब आप बताओ कि मुझे रिमेडियल क्लासेज अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. फादर सेड ऑफकोर्स. उसके पापा ने कहा कि निसंदेह आपको करना चाहिए. अटेंडिंग रिमेडियल क्लासेज विल डू यू अ लॉट ऑफ गुड. कहा पापा ने कहा कि निसंदेह आप रिमेडियल क्लास ज्वाइन कीजिए क्योंकि आप जब रिमेडियल क्लासेज अटेंड करेंगे तो ये आपके लिए बहुत काम का चीज होगा. रोहन फादर आस्क्ड हिज क्लास टीचर अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ रिमेडियल क्लासेस. रूहान के फादर ने क्लास टीचर से पूछा कि मैडम या सर ये जो टाइमिंग रिमेडियल क्लासेस के हैं वो कब के हैं? तो हिज टीचर सेड उसके टीचर ने कहा ही विल हैव टू स्टे फॉर एन आवर इन द स्कूल ओनली. तो उसके जो टीचर थे उन्होंने कहा कि बस उसको एक घंटा रुकना पड़ेगा स्कूल में, सिर्फ एक घंटा रुकना पड़ेगा. नेक्स्ट डे रोहन्स फादर आस्क्ड हिम टू पुट एक्स्ट्रा टेबल्स इन द लंच बॉक्स. रुको. अगले दिन रूहान जब स्कूल जा रहा था तो उसके फादर ने कहा कि देख बेटा कुछ एक्स्ट्रा इटेबल मतलब खाने पीने की सामान अपने लंच में रख लो क्योंकि तुम्हें एक घंटे और रुकना है. चूंकि उसको एक घंटा और एक्स्ट्रा स्कूल में रुकना है तो उसके फादर ने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स अपने लंच में रख लो. रोहन ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा एप्पल अपने बैग में रख लिया एंड लेफ्ट फॉर द स्कूल. और वो अपने स्कूल के लिए चल निकल गया. After the school got over, जैसे ही स्कूल खत्म हुआ he went to that classroom. वो उस क्लासरूम में गया जहाँ रिमेडियल क्लास जहाँ रिमेडियल क्लास होने वाला था. फ्यू ऑफ हिज क्लासमेट्स आल्सो सिटिंग इन दैट क्लास.
उसके कुछ और जो क्लासमेट थे वो उस क्लास में पहले ही आके बैठे हुए थे. टीचर केम टू गिव द रिमेडिकल क्लासेस. टीचर आई, फिर वो टीचर आई या आई वो क्या देने के लिए, रिमेडियल क्लास लेने देने के लिए आई. द टीचर वॉज अ लिटिल फ्रेंडली. टीचर जो थी वो बड़ी दोस्त, मतलब होते हैं ना फ्रेंडली टीचर, मतलब प्यार से. She said to Rohan. उसने रुहान से कहा, You are a good student. कि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो. If you work hard. अगर आप कड़ी मेहनत करोगे. You will surely get good marks in mathematics. तो आप good marks आपको mathematics में जरूर मिलेगा. टीचर बहुत अच्छी थी, मत कर बेटा गिर जाएगा. टीचर ने कहा कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको मैथ में अच्छे नंबर मिलेंगे. She started teaching to all the students. उसके बाद वो सारे स्टूडेंट को पढ़ाने लगी. After an hour, as the remedial classes got over, एक घंटे बाद जब रिमेडियल क्लास ओवर हो गया, other students started leaving. सारे बच्चे जाने लगे. The teacher asked Rohan to stay in the classroom. टीचर ने रोहान से कहा कि बेटा तुम रुको, बाकी सब जा रहे हैं, जाने दो लेकिन आप रुको. She said you are weak in mathematics. उन्होंने कहा, उन्होंने रुक जाओ, कंजक्शन के पहले रुको. उन्होंने कहा रोक के कि यू आर वीक इन मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स में कमजोर हो, एंड नीड टू पे मोर अटेंशन, ठीक से बैठो और आपको थोड़ा ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है. आई विल टीच यू एक्स्ट्रा हाफ एन आवर, मैं आपको आधा घंटा और पढ़ाऊंगी. ऑल द स्टूडेंट वेयर गो, सारे स्टूडेंट जा चुके थे. रोहन वॉज अलॉन्ग विद द टीचर इन क्लास. रोहन अपनी टीचर के साथ अपने क्लास में था. ही वॉज सिटिंग ऑन द सेकेंड बेंच, वो सेकेंड बेंच पे जिस पे बच्चे बैठते हैं उसे बैठा हुआ था. His teacher asked to get a chair and sit near here. उनके टीचर ने कहा कि बेटा तुम एक कुर्सी लाओ. हम लोग बोलते हैं ना कि बेटा आ जाओ यहाँ, मैं आपको बता देती हूँ. तो उन्होंने कहा कि कुर्सी लाइए और आप मेरे नजदीक बैठ जाइए. रोहन प्लेस्ड हिज चेयर नियर द टीचर. रोहन ने अपनी कुर्सी अपने टीचर के पास लाई और बैठ गया. द टीचर आस्क्ड हिम टू सॉल्व सम्स दैट शी. टीचर ने उनसे कहा कि देखो जो मैंने आपको सम्स समझाया है वो सम्स आप अब सॉल्व करना शुरू करो. दैट शी टॉट इन द रिमेडियल क्लास. जो मैंने रिमेडियल क्लास में आपको सॉल्व मैथ सम दिया है, सॉल्व करवा दिया है, अब उसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे. She gave him some sums. उस टीचर ने उसको कुछ एक्स्ट्रा सम दिए कि भाई ये अब क्वेश्चन बनाओ. And he solved all the sums correctly. और उसने सारे सम्स को बढ़िया से एकदम पक्का वाला कर दिया. Rohan was very happy. रोहन को बड़ा मतलब खुशी अंदर से फील हो रहा था. The teacher said, good boy. Give me a kiss. And I will make you perfect in math. टीचर ने कहा कि एक किस दो, मैं आपको मैथ में परफेक्ट बना दूंगा. आपके मोरल साइंस है ना. रोहन डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हर अ किस. रोहन ना अपने टीचर को नहीं किस करना का चाहता था, बट ही वॉज टू साइड टू से नो. लेकिन उसको ना नो कहने में मतलब थोड़ा तकलीफ हो रहा था. ही वॉज स्कार्ड दैट स्केर्ड, वो उसको भय लगा, डर लगा. दैट इफ ही हैड नॉट किस्ड हर, इफ ही डिड नॉट किस हर, कि यदि वो उनको किस नहीं करेगा, सी वुड नॉट टीच हिम, तो उनको नहीं पढ़ाएंगे. हिज टीचर सेड कम नियर और गिव मी अ किस ऑन माय चिक्स. उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ और मेरे चिक पे क्या करो, एक किस दो. रुहान वांटेड टू रन अवे. अब रुहान को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ये बहुत घटिया हरकत है, ऐसी हो तो काट देना चाहिए वैसे लोगों को. तो रुहान बेचारा और डर के मारे चाहता था कि मैं भाग जाऊं. ही वाज वेटिंग फॉर समवन टू कम और समथिंग टू हैपन. एक मिनट, वो अब इंतजार करने लगा कि कोई तो आ जाए. होता है ना हम लोग बड़ी घटिया कंडीशन में तो सोचते हैं कोई आ जाए बचाने, या कुछ ऐसा हो जाए सो दैट ही डज नॉट हैव टू किस हर. ऐसा कुछ हो जाए या कोई आ जाए कि मुझे किस ना करना पड़े. अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य बस, नथिंग हैपन, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई आया. द टीचर गॉट एंग्री विद रुहान. रुहान से टीचर क्या हो गई, गुस्सा हो गई. एंड आस्क्ड हिम अगेन टू किस हर, और वही हरकत. फिर उस टीचर ने उनसे कहा, शी सेड टू रुहान, उन्होंने रुहान से कहा, आई थॉट यू पढ़ाया
मैंने आपको एक्स्ट्रा आधा घंटा पढ़ाया सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके. बट आई शुड नॉट हैव डन दैट फॉर यू. लेकिन बट आई हैव नॉट हैव डन दैट फॉर यू. लेकिन मैंने आपके साथ वो नहीं किया है. रुहान फील लाइक, अब रुहान को ऐसा लग रहा था ना जैसे कि वो रोना शुरू कर. होता है ना बच्चे जब इरिटेट होते हैं तो मतलब लगता है कि किसी तरीके से अब क्या करेगा बच्चा, रोएगा ही बैठ के. मार वोट तो कर सकता नहीं, आगे बढ़ते हैं. ही वांटेड द टीचर टू टीच हिम बट डिड नॉट वांट टू किस. वो ये चाहता था कि टीचर मेरे को पढ़ाए, लेकिन ये हरकत उसको अच्छा नहीं लग रहा था. देयर वर टीयर्स इन हिज आईज, उनकी उसकी आंखों में आंसू आ गया. Seeing this, the teacher asked him to leave the classroom. ये देख के टीचर ने कहा कि get out from the class. And told him that she will not teach me him for extra half an hour. उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको अब ये जो extra half an hour है. Get out from the class. वो इसमें लिखा है. तो उन्होंने कहा कि सी विल नॉट टीच हर, कि मैं तो तुम्हें अब वो आधा एक्स्ट्रा घंटा जो आधा पढ़ाती हूँ ना घंटा, वो नहीं पढ़ाऊंगी. पढ़ाने किसने कहा? रुहान रन टू हिज हाउस होम. रुहान क्या किया? अपने घर की तरफ भागा. इन द इवनिंग शाम में व्हेन हिज फादर केम बैक हिज आर्म्स. एक मिनट, क्या रुकना सीखो, कहाँ रुकना है. व्हेन हिज फादर केम बैक, जब उसके पापा आए, ही आस्क्ड हिम अबाउट द रेमेडियल क्लास. तब पापा आते हैं तो पूछते हैं ना कि ट्यूशन कैसा गया, स्कूल कैसा गया. रोहन वॉज लुकिंग वेरी लो. रोहन एकदम ढिल्ला ढल्ला लग रहा था. हिज फादर सेड, उसके पापा ने कहा, यू मस्ट बी टायर्ड टुडे एज योर अटेंडेंट रिमेडियल क्लासेस. उसके पापा ने जब देखा कि लो है, तो आप लोग भी लो होते हैं ना, एकदम ढुल्लम ढुल्ले से बैठे होते हैं, तो उसके पापा ने कहा कि अच्छा तुमने आज अटेंड किया है ना रिमेडियल क्लास, इसीलिए तुम थक गए होगे. रुहान वाज अनेबल टू कंट्रोल हिज फीलिंग. अब रुहान ना लग रहा था, मत छुओ. रुहान को लग रहा था ना कि अब मैं अपना बोल दू नहीं बोलू. होता है ना बच्चों में टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स. उसके यहाँ से अब आंसू बहने लगे. हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पापा ने कहा, व्हाई आर यू क्राइंग, आई इज एवरीथिंग राइट. उसके पापा ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो, सब कुछ ठीक है ना. रोहन हग हिज फादर. रोहन ने अपने पापा को ऐसे गले लगाया और कहा, टोल्ड हिम एवरीथिंग दैट हैपेंड. गले लगा के पापा से बोला कि पापा ये मेरे साथ आज क्लास में हुआ है. His father got very angry. उसके पापा को बहुत गुस्सा है. किसी भी पापा को गुस्सा आएगा भाई, ये गलत बात है ना. उन्होंने कहा, इट इज वेरी बैड ऑफ हर टू फोर्स यू. उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है कि उन्होंने तुमको फोर्स किया. छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जनरली अपने टीचर को एज अ मदर देखते हैं. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो अगर खुश हैं और दे आर गिविंग यू किस, तो दैट इज, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना. अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़े बच्चे के साथ तो ये बदतमीजी हो गई. आई विल गो एंड टॉक टू योर प्रिंसिपल. क्लास का बच्चा बड़ा है ना भाई. आई विल गो, मैं जाऊंगा एंड टॉक टू योर प्रिंसिपल रिगार्डिंग दिस टुमारो. मैं कल जाऊंगा और तुम्हारे प्रिंसिपल से इस मामले में बतियाऊंगा, बात करूंगा. रोहन सेड, रोहन ने कहा, नहीं फादर, इफ यू विल डू दिस, अगर दैट टीचर वोंट टीच मी. नहीं पापा, अगर आप ऐसा जाके मेरे टीचर के बारे में बोलेंगे ना तो वो मुझे नहीं पढ़ाएंगे. एंड इफ दैट टीचर स्टॉप इट टीचिंग मी, अगर उस टीचर ने मुझे पढ़ाना बंद कर दिया, हाउ विल आई गेट बेटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो मुझे मैथमेटिक्स में बढ़िया नंबर कैसे आएंगे. His father said, the most important thing is that yours should be safe. तो उसके पापा ने कहा कि देख बेटा, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग मेरे लिए है कि तुम सेफ रहो. If the same teacher continues to teach you in remedial class, अगर ये यही टीचर अगर तुमको remedial class में पढ़ाती रहेंगी, then I do not want you to attend the remedial class. तो मैं नहीं चाहता कि तुम इस remedial class को attend करो. Remedial class? I am your father. I am your father, and it is my duty to keep you safe. Stay away from unsafe people. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पप्पा हूँ और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें अनसेफ लोगों से, यानी कि घटिया लोगों से, बेकार लोगों से बचा के रखूं. I do
not want you to be in a place where you feel unsafe or uncomfortable. मैं ये नहीं चाहता कि तुम ऐसे किसी जगह पे रहो जहाँ तुम्हें unsafe और uncomfortable feel हो. रोहन asked his father. रोहन ने अपने पापा से कहा, पूछा. Will the principal get angry with me? कि पापा क्या अगर ये complaint गया तो जो principal साहब है वो क्या मेरे से गुस्सा हो जाएंगे? His father said why. उसके पापा ने कहा. Why will your principal get angry with you? कि तुम्हारे पापा sorry. तुम्हारे प्रिंसिपल तुमसे गुस्सा क्यों होंगे? यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. रॉन्ग आपने कोई गलत नहीं किया है. इट इज नेवर योर फॉल्ट. ये आपका कभी कोई गलती नहीं है. इफ समवन डज समथिंग अनसेफ विथ यू, कि अगर कोई आदमी आपके साथ अनसेफ करता है, आपकी गलती नहीं है. I am so proud as you did not hide it from me. Now मुझे बड़ा आप पे घमंड है, गर्व है कि आपने मेरे से कुछ नहीं छुपाया. हाँ, गर्व होता है ना, घमंड. मेरा बेटा बढ़िया है जिसने मुझसे सारी बातें बताई. Now come and give me a hug. आओ और मुझे मेरे गले मिलो. रोहन स्माइल्ड एंड हग्ड हिज फादर. एंड कहानी का एंड. कैसा लगा कहानी? बहुत